बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये ना छुड़ायो छिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव की यही जीवन, मेरे जीव की यही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बादल बरसिया रुअल्ला ए बूंदे लई ज्योति न, और कोई ना ले सके बिना अर्श रुहन, बिना अर्श रुहन। जिन पिया मस्ती तीन की, प्रीतम अक्षरातीत ने हमें यह खिलवत की वाणी दी है ताकि हम परम धाम की रसधारा में कुछ डुबकी लगा सकें। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये चार किताबें परम धाम की मानी जाती है। खिलवत किसको कहते हैं इसके बारे में काफी विवेचना की जा चुकी है। इस दुनिया में बैठकर खिलवत को समझाना काफी कुछ कठिन होता है, क्योंकि संसार के प्राणियों का हृदय इस योग्य नहीं होता कि खिलवत को वास्तव में समझ सके, क्योंकि ये दुनिया भक्त और भगवान की है, दास और उसके स्वामी की दुनिया है। एक दास को प्रेम सिखाना बहुत ही कठिन होता है। यदि दास को प्रेम सिखाया जाए तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे सिखाने वाला कोई अजनबी है, किसी अन्य संसार से आया। एक बार बरसात हो रही थी, एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, बंदर भीग रहा था। चिड़िया ने कहा कि बंदर देखो मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैंने घास फूस इकट्ठा करके घोंसला बना लिया है, तुम दिन भर कूदते फांदते रहते हो, तुमने भी कुछ कर लिया होता तो शायद तुम बरसात में कांपते नहीं। यह सोचते ही बंदर को गुस्सा आया और उसने चिड़िया का घोंसला उखाड़ करके फेंक दिया। यही कहानी है माया की दुनिया में, जिसमें भगवान के नाम से थर थर कांपा जाता है कि पता नहीं भगवान रूठ जाएगा तो हमको नरक में डाल देगा, भगवान कृपा करेगा तो हम जीवित रहेंगे नहीं तो वो हमें मार डालेगा। वो सृष्टि को पैदा करता है, सृष्टि का पालन पोषण करता है और एक क्षण में लय कर देता है। करोड़ों ब्रह्मांड लय हो जाते हैं महाशून्य में और बाद में महाशून्य भी नहीं रहता। संसार का ब्रह्म ज्ञान तो यहीं तक सीमित है। ऐसे संसार में प्रेम की व्याख्या करना कितना कठिन होता है। आजकल एक छोटा सा सीरियल चल रहा है राधा कृष्ण का, आप देखिए राधा ने कृष्ण की कभी स्तुति नहीं की, कभी आम आप कह करके नहीं बोला, कभी मत्था नहीं टेका, कभी कहती है ये कृष्ण बड़ा धूर्त है, कभी कहती है कहाँ चला गया, हमेशा कृष्ण को रे करके बोलती है। लेकिन राधा का तन कृष्ण का है, राधा का मन कृष्ण का है, तन मन जीव सब कुछ उसका है, कोई दीवार खड़ी नहीं है। जैसे राधा व्यवहार करती है देखकर ऐसा लगता है कि राधा सचमुच कृष्ण से घृणा करती है, राधा कृष्ण के बिना जी नहीं सकती। लेकिन उसकी भाषा देखिए ऐसी भाषा है जिसमें दासत्व की कहीं गंध नहीं है।
जब उसका सर्वस्व किसका है तो किसकी स्तुति करेगी? यह बात भक्तों को नहीं समझाई जा सकती। आजकल तो ऐसी स्थिति बन गई है, मैं जब किसी मंदिर में जाता हूँ तो मुझे फोटो खिंचवाना पड़ता है यह प्रमाण देने के लिए कि मंदिर में मैंने मत्था टेका था, नहीं तो फेसबुक पर डाल दिया जाता है कि राजू स्वामी आए थे और मंदिर में मत्था ही नहीं टेके थे। भाई एक बार नहीं, मैं 10 बार मत्था टेक लेता हूँ, आप खुश तो रहिए। प्रश्न यह है, ऐसे आप संसार में बैठे हैं, तारतम ज्ञान का प्रकाश भी मिल चुका है, लेकिन खिलवत में प्रवेश कैसे होगा जब हम शरीर से परे नहीं हो सकते? हम कुछ चाहते हैं जिसको अपना आराध्य मानते हैं, दास भक्ति में और प्रेमा भक्ति में अंतर होता है, 36 का आंकड़ा है दोनों में। दास उसके नाम की माला जपेगा, स्तोत्र का पाठ करेगा, महिमा गाएगा, चरणों में बार बार सिर झुकाएगा, कृपा की भीख मांगेगा कि मुझे मिल जाए। प्रेमी क्या करेगा, किसके सामने सिर झुकाएगा? क्योंकि उसके प्रीतम का रोम रोम उसका है, उसके तन का रोम रोम उसका है, दोनों में कोई विभाजक रेखा है ही नहीं। सौंदर्य से क्या किसी ने कांति को अलग किया है? चंद्रमा से उसकी शीतलता को किसी ने कभी छीनने का साहस किया है? सागर से लहरों को कभी अलग किया जा सका है? यदि यह संभव नहीं तो आप क्या सोच सकते हैं? प्रेमी प्रियतमा और प्रियतम को, आशिक और मासूक को क्या कोई भक्ति सिखानी पड़ती है? ये तो बेहद की बातें में भी ये बात घटित हो जाती है। जहां प्रेम होता है वहां शरीर नहीं होता है, प्रेम आत्मा का विषय है और शरीर वासना का विषय है। यदि शरीर से हमारी दृष्टि नहीं हो तो वासना पैदा हो सकती है। मैंने रास ग्रंथ की चर्चा के समय यह बात कही थी कि रास की व्याख्या का अधिकार उस सुखदेव को मिला जिसको यह पता नहीं है कि स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं। जो निर्विकार है वही प्रेम की व्याख्या कर सकता है। वासना ग्रस्त जीव जो दासत्व में तो आ सकता है, भक्ति भाव तो ला सकता है, लेकिन उस अक्षरातीत के प्रेम की व्याख्या करने का अधिकार नहीं रखता जिसके बारे में वाणी पुकार पुकार कर कहती है कि प्रेम शब्दातीत के पार के पार है। शब्दातीत के पार तीन पार ज्योति का था तेज रे, 300 था तेरा संबंध पर ते रख्या न कछु हेज रे। आप सोचिए, परिक्रमा की पहली चौपाई शुरू होती है अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क शब्दातीत है जो प्रेम शब्दातीत है, प्रेम बसे पिया के चित्त, प्रीतम के हृदय में प्रेम बसता है, या कि प्रेमी के बिस्तर या कि प्रेमी के भूखन। एक एक अंग जहां अनन्य प्रेम का है। सुंदर साथ में एक भ्रांति है कि प्रेम योग माया में है और इश्क परम धाम में, ऐसा नहीं है। ये भाषा भेद है, वाणी में ये बार बार दर्शाया गया है। एक पक्ष कतेब का लिया गया है तो एक पक्ष वेद पक्ष का लिया गया है। आशा उम्मीद, जहां आशा शब्द रहेगा वहां उम्मीद शब्द रहेगा। उम्मीद शब्द फारसी का है, अरबी फारसी का। इसी तरह से वन और जंगल, वन शब्द संस्कृत हिंदी का है तो जंगल शब्द फारसी अरबी का लिया जाएगा। इसी तरह से प्रेम और इश्क भी है। जोश और आवेश भी साहित्यिक दृष्टि से एक जैसा है लेकिन स्वरूप की दृष्टि से नहीं। अभी खिलवत की चर्चा के समय इन विषयों पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। इतना समझ लीजिए, साहित्यिक दृष्टि से जोश और आवेश को एक माना जाता है लेकिन जबराइल जोश धनी का, जो धनी का जोश है वो जबराइल कहला सकता है, उसको अक्षर का आवेश कह सकते हैं। किंतु अक्षरातीत का जो आवेश होगा वो चितघन स्वरूप का स्वरूप होगा। जहां आवेश विराजमान होगा उसको राज्य का स्वरूप कहेंगे, जहां जोश विराजमान होगा उसको राज्य का स्वरूप नहीं कहेंगे, ब्रह्म का स्वरूप कहेंगे क्योंकि वो अक्षर का आवेश है। श्री कृष्ण पर अक्षर का आवेश आता है जिसको जिब्रील कहते हैं, राज्य का जोश।
गीता अवतरित होती है। कबीर जी पर जिब्रील के माध्यम से अखंड का ज्ञान उतरता है। सुखदेव के द्वारा रास के वर्णन का प्रारंभ किया जाता है। शंकर जी के द्वारा वर्णन किया जाता है और उमा को सुनाया जाता है। अखंड का ज्ञान कोई भी कहेगा जिब्रील के द्वारा ही कहेगा, लेकिन परम धाम की वहदत खिलवत निस्वत का वर्णन कौन करेगा? केवल अक्षर अतीत का स्वरूप जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर क्रीड़ा कर रहा है। अभी खिलवत के बारे में मैंने थोड़ी सी बात कही। इस माया के संसार में परम धाम की आत्माएं आती हैं, दोनों का दिल एक है। प्रेम कहां होता है? जब तक दिल न मिले तो किसी को एक स्थान पर भी बैठा दीजिए एकांत में। खिलवत का बाह्य अर्थ किया जाता है एकांत स्थान। हमने क्या मान लिया? मूल मिलावा खिलवत है, कोई कहेगा पांचवी भूमिका में रंग प्रवाली मंदिर खिलवत है, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। आप ये बताइए, दो पत्नी पत्नी में झगड़ा हुआ है और उनको एकांत स्थान पर कर देंगे तो क्या प्रेम हो जाएगा? एकांत का आशय यह है कि उन दिनों दोनों के बीच में कोई तीसरी दीवार न खड़ी हो जाए, कोई तीसरी बाधक वस्तु न खड़ी हो जाए, इसलिए एकांत का भाव लिया गया है। लेकिन जब दोनों के हृदय मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे के हृदय में रमण कर रहे हैं, तो 100 किलोमीटर की दूरी पर बैठे होंगे तो भी दोनों एक हैं, क्योंकि आशिक को मासूक दिख रहा होगा, मासूक को आशिक दिख रहा होगा। रोम रोम में रम रहा पीव आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई एक हो गया एक रम। आशिक के रोम रोम में उसका मासूम बसा होता है। स्थान का मतलब नहीं है राज्य। यदि तीसरी भूमिका में पढ़ रहे हों तो यमत और सखियां कहीं बाहर गई हों, वनों में गई हों, तो यमत समझ लीजिए कि वो बाहर गई है। लीला रूप में आपको समझाया जा रहा है। परम धाम में पल भर के लिए भी कभी वियोग नहीं होता। सखियां कहीं भी बाहर जाती हैं तो इस दुनिया की भाषा से हमको वहां की लीला का एक अलग रूप समझाया जा रहा है। आप अष्टपर की सेवा पूजा जब करते हैं तो आप ये भी कहते हैं, परिक्रमा पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है आय आय के चरणों लागे, क्योंकि इस दुनिया में हमें प्रणाम करना पड़ता है। परम धाम में राज्य के चरणों में कोई आ आ करके प्रणाम नहीं करता है। ये बात आपको अटपटी लगेगी लेकिन ये सच है। जहां मत्था टेका जाए वो परम धाम क्या होगा? वहदत समाप्त। एक दास है एक स्वामी है, वहां तो मत्था टेका जाएगा। लेकिन ये बात कई बार मैं बहुत रुकने का प्रयास करता हूँ, मुख से निकल जाती है। मुझे भी लगता है कहीं चिड़िया के द्वारा बंदर को उपहास करने का परिणाम न फल भोगना पड़े, क्योंकि समाज यदि उस स्तर पर नहीं पहुँचेगा तो खिलवत की बात को, सागर श्रृंगार की बात को समझ नहीं सकता। जिस समाज में केवल मंत्र का जप कराया जाता रहा, बहुत हुआ तो रास की चर्चा हो गई, प्रकाश के कलश से आगे कोई बढ़ना ही नहीं चाहता था, और आज भी वही है। सागर श्रृंगार परिक्रमा खिलवत की चर्चा एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। सुंदर साथ वाणी के रस में डूबा नहीं था। उस समाज से ये आशा करना, जिस समाज ने केवल परिक्रमा को, जिस समाज ने केवल आरती भोग को ही सब कुछ मान रखा हो, प्रीतम के प्रेम में डूबकर स्वयं को विलीन करने का साहस यदि हमारे पास नहीं हुआ तो हम प्रेम की उस मधुर व्याख्या को कैसे आत्मसात कर सकेंगे? इसलिए खिलवत भाई है, दिल ही खिलवत है, चाहे आशिक का दिल हो या मासूक का दिल हो। आप कहेंगे कि कैसे संभव है? सागर में श्रृंगार में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। धनी ने क्या कहा है? इत जुदागी कहाँ रही जित हके धरे कदम। यदि आपके हृदय में धनी के चरण कमल पड़ गए, धनी का नख से सिक तक श्रृंगार आपके हृदय में अवतरित हो गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि राज्य हमसे जुदा है? ए होए न बिना निस्पति है, मूल संबंध के बिना ऐसा नहीं हो सकता।
इतनी हुई वहदत निस्बत वहदत एके तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। आप देखिए आप कौन हैं, परमधाम की ब्रह्मात्मा, इस खेल में आए हैं तो क्या कहलाएंगे, आत्मा। आपका मूल स्वरूप क्या है, परात्म क्या है, राज्य के हृदय का व्यक्त रूप। जो राज्य के हृदय का व्यक्त रूप परम धाम में है तो उसका प्रतिबिंब भी तो उनके हृदय का ही व्यक्त रूप होगा। अब उस आत्मा के हृदय में धनि के चरण कमल दृष्टि गोचर होने लगे तो कैसे कहा जा सकता है कि वो दो हैं। ए होय न बिना निस्बती है इथे हुई वहदत। हम वहदत के लिए भागा करते हैं। वहदत की एक छोटी सी झलक में दिखा दो, जहां मनुष्य की तो बात छोड़िए, मनुष्य तो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। दो पक्षी होते हैं लवर्स आधुनिक भाषा में जिनको कहा जाता है, एक मर जाएगा तो दूसरा भी तुरंत मर जाएगा, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के स्नेह में इतने बंधे होते हैं। मनुष्य जब बुद्धि का प्रयोग करने लगता है तो कहीं ना कहीं प्रेम से दूर हो जाता है। हाँ, यदि वो प्रेम की डगर पर चल पड़ा, बुद्धि को उसने किनारे कर दिया, तो वो उस पक्षी से भी ज्यादा त्याग कर सकता है। लेकिन मनुष्य को बुद्धि इतनी ज्यादा दे दी गई है कि वो हर प्रश्न पर संशय खड़ा करता है, और यही संशय यही तर्क वितर्क उसको परम धाम के प्रेम पर चलने का अधिकार छीन लेता है। आप देखेंगे श्री जी के अंतर्ध्यान सुनकर कितनों ने शरीर छोड़ दिया। क्यामत नमा में एक चौपाई आती है, सुनत बिछवा हाथी का पीछे साबित राखे पिंड, देखते पड़ो तीन अकले और ना ही बतनी अखंड। जो भाव में विवल थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन मैं इसको उचित नहीं कहूंगा। हाँ, जिन्होंने अपनी आत्मा के धाम हृदय में इस प्राणेश्वर के पल पल की अनुभूति की है उनको शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस शरीर रखें या छोड़े कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। दोष उनके लिए ऊपर रख सकता है जो श्री जी के अंतर्ध्यान होने के बाद संसार के विषयों की तरफ खींचते हैं या संसार उनको प्यारा लगता है। जिनके लिए संसार पहले ही छूट गया, वो शरीर छोड़े या न छोड़े, संसार को तो पहले छोड़ ही चुके हैं। इसी प्रकार आत्मा के हृदय में जब प्रीतम बस जाएगा तो वहदत से खिलवत से हम जुदा कहाँ हैं। आप ऐसे संसार में रह रहे हैं जिसमें हमको प्राथमिक कक्षा से अध्यात्म की डगर पर ले जाया जाता है, मंदिर ले जाया जाता है, प्रणाम कराया जाता है, चरणामृत प्रसाद दिया जाता है, ताकि हमारे अंदर का अहंग समाप्त होना प्रारंभ करें और हम राज्य के प्रेम में कहीं ना कहीं डूबने का कोई अवसर ढूंढें। धीरे धीरे ये प्रयास रंग लाता है, हमारी परिपक्वता जब बढ़ती जाती है, वाणी के चिंतन में डूबते जाते हैं, चितवनी में डूबते जाते हैं, तो लगता है कि नहीं, ये तो प्राथमिक कक्षा थी, हमें कुछ और चलना पड़ेगा। चितवनी में डूबने के बाद जब अपने प्राणेश्वर को हम अपने समक्ष पाते हैं तो लगता है कि मेरा हृदय उनका है, उनका हृदय मेरा है, हम दोनों में कोई भेद नहीं। कई बार मैंने सांसारिक दृष्टांत दिया है, लैला को चोट लगती है, पीड़ा मजनू को होती है। आप देखिए एक छोटा बच्चा सीढ़ी से गिर जाए, बच्चा तो रोएगा ही, शायद उससे ज्यादा पीड़ा माँ को होती है, क्योंकि माँ के हृदय का प्रेम कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर पड़ा हुआ है। यदि संसार के एक झूठे रिश्ते में इतना आकर्षण हो सकता है तो परम धाम के वहदत में रहने वाली ब्रह्मात्माओं के अंदर अक्षरातीत से एकत्व वहदत की अनुभूति क्यों नहीं की जा सकती है। परम धाम के कणकण में राज्य हैं, परात्म के दिल में राज्य हैं, और यदि हमने अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर की छवि को बसा लिया तो हमारा हृदय खिलवत हुआ कि नहीं। वाणी कह रही है ए होए न बिना निस्बति, आपने अपने निस्बत का अधिकार पाया, निस्बत को समझा तो अपने दिल में धनी के चरण को बसाया। ए होए न बिना निस्बति इति हुई वहदत निस्बत वहदत एके तो क्यों जुदी कहिए खिलवत।
हमारी आत्मा का धाम हृदय ही खिलवत है। जब हमारी आत्मा में परम धाम बसता है, हमारी आत्मा में युगल स्वरूप बसते हैं, तो हमारा हृदय खिलवत है या नहीं? हम क्यों केवल सीधे पांचवी भूमि में उड़ान भरना चाहते हैं, चौथी भूमि में उड़ान भरना चाहते हैं, मूल मिलावे में जाना चाहते हैं कि नहीं, मूल मिलावा खिलवत है या पांचवी भूमि का खिलवत है या राज्य जहाँ क्रीड़ा कर रहे हो वहाँ खिलवत है? वो तो है ही, परम धाम का हर कण खिलवत है, परात्म का हर दिल खिलवत है, तो हमारी आत्मा का हर दिल भी खिलवत है। लेकिन ये कब होगा? जब हमसे संसार छूट जाएगा, जब हम संसार के प्रति मर जाएंगे और हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से जगमगाने लगेगी। जो कल मैंने चौपाई कही थी, जो पहले आप मुर्दे हुए तीन दुनी करी मुर्दार, यदि हमने संसार को मुर्दार कर दिया है तो हक तरफ हुए जीते उड़ पहुंचे नूर के पार। संसार से तो हमारा कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन यदि संसार हमें प्यारा लगता है, संसार की प्रतिष्ठा हमें प्यारी लगती है, संसार के सुख हमको खींचे रहते हैं, संसार की वासनाएं हमारे मन को उद्वेलित करती रहती हैं, तो केवल शब्द जाल कहने मात्र से हमारा हृदय न वहदत का सुख ले सकता है, न निस्बत का सुख ले सकता है, न खिलवत का सुख ले सकता है। आप बताइए, यदि आपको अपने धाम हृदय में वहदत की अनुभूति हो जाए, खिलवत की अनुभूति हो जाए, निस्बत की अनुभूति हो जाए, युगल स्वरूप की अनुभूति हो जाए, तो क्या आप माला लेकर निज नाम श्री कृष्ण जी या निज नाम श्री जी साहब जी के 1 करोड़ मंत्र का पाठ करने के लिए बैठेंगे? यदि बैठेंगे, आप बैठने का विचार रखते हैं, तो आपके लिए खिलवत की वाणी नहीं है। आप प्रकाश वाणी पढ़ते रहिए, कलश की वाणी पढ़ते रहिए, रास की वाणी पढ़ते रहिए, गर्वे पूरी पूरी रात करते रहिए, चरणामृत प्रसाद लेते रहिए, आपके वो परम धाम की सुगंध में लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और यदि आपने सागर श्रृंगार की वाणी में डुबकी लगाया, आपने अपने निस्बत का अधिकार मांगा, एक बात देखिए, एक भक्ति भाव में डूबा हुआ सुंदर सात, दास भक्ति में, क्योंकि हमको सिखाया ही जाती है दास भक्ति, प्रेमा भक्ति नहीं, क्योंकि प्रेमा भक्ति बहुत कठिन है और बहुत सरल है। जिसने अपना दिल देना जाना उसके लिए बहुत सरल है, और जिसने दिल कभी किसी को दिया ही नहीं, प्रीतम को, अक्षरातीत को अपना हृदय दिया ही नहीं, बेचारा वो क्या समझेगा? वो तो यही मांग करेगा कि राजी आपके 5 प्राण मैंने पूरे कर लिए हैं, अब हमारे घर में ये धन आ जाना चाहिए, हमारी ये मांग पूरी हो जानी चाहिए। मांगने वाला कुछ पाता नहीं, मांगने वाला प्रेम का अधिकारी नहीं होता, जो अपना हृदय लुटा देता है। राजी से परम धाम भी ना मांगिए, मुक्ति भी ना मांगिए, पूछिए राजी आपको क्या चाहिए? मेरी बात अटपटी लगी रही होगी। आप ये बताइए, परिक्रमा में एक चौपाई आती है, प्याले आप मासूक को देत भर भर, राज्य वाणी में सर्वत्र कहा गया है, इस कुसराई ले हाथ में पिलाओ अपने हाथ, अपनी अंगना जो अर्ज की ताई देव अपने हाथ। राज्य का हृदय इश्क की सुराही है और आत्माओं का हृदय एक प्याला है, इस संसार के दृष्टांत से। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति आती है जब कहा जाता है कि मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, जब दोनों में कोई अंतर नहीं है तो क्या राज्य का हृदय प्याला नहीं बन सकता है? ये कठिन प्रश्न है। परिक्रमा में ये दोनों चौपाई साथ होती है, प्याले आप मासूक को देत भर भर भी कहा गया, एक में सखियां प्याले हैं और एक में राज्य प्याले, दोनों एक वहदत में है। यदि ये भेद हो गया कि केवल राज्य का ही दिल इश्क की सुराही है, हम प्याले हैं, तो वहदत क्या रही? तब तो भेदभाव हो गया और अक्षरातीत जिसको इश्क का सागर कहा जाता है, वह इश्क का सागर कभी सागर नहीं रहेगा, क्योंकि वहां संकीर्णता प्रवेश कर गई।
एक देने वाला है। हम सागर से और उसकी लहरों से तुलना करके इस संसार में खुश हो जाते हैं कि सागर और लहरों में जो संबंध है वही संबंध राज्य और परमधाम की अंगनाओं में है। सूर्य और उसकी किरणों का उदाहरण देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वाहदत की दृष्टि से ये मिथ्या हो जाएगा, लेकिन करे क्या, दूसरा कोई दृष्टांत ही नहीं मिलता इस माया की झूठी दुनिया में। दोनों का स्वरूप एक है, सूर्य और उसकी किरणों का स्वरूप एक है, इसलिए विवश होकर कहना पड़ता है कि राज्य और सखियों का स्वरूप एक है। लेकिन सूर्य वाहदत में नहीं है, द्वैत में है, सागर द्वैत में है। एक बूंद एक लहर के अंदर सागर का जल समा नहीं सकता और एक किरण के अंदर सूर्य का सारा तेज आ नहीं सकता, किंतु परम धाम में ऐसा नहीं है। एक आत्मा के अंदर सारा परम धाम, एक कण के अंदर सारा परम धाम। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज गप्पे मार रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं संसार के दृष्टांत से भी आपको समझा देता हूं। पृथ्वी कितनी बड़ी है आप सोचिए। परम धाम के वहदत के रहस्य को मैं आपको छोटे से दृष्टांत से समझा देता हूं, अब समझ में आ भी जाएगा। आप प्रातःकाल सर्दी के दिनों में कोमल घास पर टहलते हैं, ओस की बूंदें गिरी रहती है। उस ओस की बूंद में देखिए आकाश में पृथ्वी से 13 लाख गुना सूरज दहकता हुआ नजर आएगा। एक छोटी सी बूंद सूर्य को अपने अंदर छिपा सकती है, तो परम धाम का एक कण संपूर्ण परम धाम को अपने अंदर क्यों नहीं छिपा सकता। एक छोटे से कागज पर यदि पूरी सृष्टि का चित्र बना दिया जाए जिसमें अनेकों गैलेक्सियों का चित्र हो, तो क्या कहा जाएगा, एक कागज के पन्ने पर पूरा ब्रह्मांड आ गया कि नहीं आ गया। इसी जब इस काल माया की दुनिया में एक छोटे से वस्तु के अंदर अनंत को छिपाया जा रहा है। छोटी सी बात है, बार बार मनीषी जन कहा करते हैं, मन में सृष्टि समोए, मन में सारी सृष्टि है, तो पूरा परम धाम हमारी आत्मा के हृदय में आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से हमें अपनी आत्मा के हृदय की पहचान करनी होगी कि हम कौन है, होता क्या है। हम अपने शरीर को जब देखने लगते हैं वहां से भटकाव शुरू होता है। यदि हमारी उम्र 60 साल 70 साल की हो जाए तो पहले ही हम आत्मविश्वास से रहित हो जाते हैं कि अब तो मैं बुढ़ा हो गया। कौन बुढ़ा हुआ, आपका शरीर बुढ़ा हुआ। आप न बच्चे थे न बुढ़े थे न बुढ़े कभी होंगे। आपका शरीर पैदा हुआ, शरीर बालक बना, युवा बना, बूढ़ा जवान बना और बूढ़ा हो गया और शरीर ही मर जाएगा। आपकी आत्मा अनादिकाल से जैसी थी अनंत काल तक वैसी ही रहेगी। आप पर मृत्यु का प्रभाव नहीं, आप पर जन्म मरण का प्रभाव नहीं। आप ये सोचिए कि आप हैं कौन। जब तक यह नहीं सोचेंगे खिलौत में आपको प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि जब लौकिक बुद्धि से हम सोचते हैं तो खिलौत की व्याख्या ऐसी कर लेते हैं जैसे राज्य अपनी सखियों के साथ वहाँ रहते हैं, खूब हंसी करते होंगे, प्रेम करते होंगे, बातें करते होंगे, इसी को खिलवत कहते हैं। राज्य और उनकी सखियाँ क्या दो हैं, मैंने परसों भी चुपाई शायद बोली होगी, दूजे तो हम हैं नहीं, ये बोले बेवरा वैदत का। जब दो नहीं है तो कौन किस पर कृपा करता है, कौन किसके लिए एहसान करता है। लेकिन इस संसार में सब कहा जाएगा, वाणी में बार बार कहा जाएगा, ना सह सको एहसान, आपने मेरे ऊपर अपार कृपा की है, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लेन्द्रावती कंठ लगाए जी। यहाँ राज्य की कृपा बरस रही है, हम राज्य की मेहर के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि माया की दुनिया है और अहम जा नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए हम चितवनी में डूबते हैं, राज्य का प्रेम भाव रहता है तो हम अहंकार से परे होते हैं। फिर कहीं ना कहीं शरीर पर आंखें जहां खुली नहीं, माया का ब्रह्मांड दिखा नहीं, फिर मोह और अहंकार हमारे पीछे लग जाता है। चाहे कितना भी बड़ा कोई परमहंस बन जाए, मारिफत की अवस्था से हटते ही उसको भी अपना शरीर दिखने लगता है, उसको भी अपना संगे संबंध दिखने लगते हैं, क्योंकि शरीर ही मोह से बना है।
पंचभूतों का यह शरीर है, इसलिए लगता है कि आज हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा, कोई दुखी ना हो। ये सारी बातें कब होती है? क्योंकि हम वहदत का रस शरीर और संसार से परे होकर ही ले सकते हैं। खिलवत की अनुभूति का रस संसार और शरीर से परे होकर ही लेते हैं। नदी जब सागर में मिल जाती है अपने अस्तित्व को मिटा देती है, वो सागर नहीं कही जाती, वो सागर कही जाती है, नदी नहीं कही जाती। सागर से अलग करके जब उसको देखेंगे तो ये कहेंगे नदी सागर में प्रवेश कर रही है। जब हम तक हम चितवनी कर रहे हैं, मारिफत में डुबकी नहीं लगा सकते, अक्षरातीत के हृदय में अपने हृदय को विलीन नहीं कर सकते, स्वयं के अस्तित्व को मिटा नहीं सकते, तब तक हमें यह कहने का अधिकार नहीं है हमारा हृदय ही खिलवत है, हमारा हृदय ही वहदत है और निस्बत के अधिकार से हमने पाया है। ज्ञान की दृष्टि से हम जान सकते हैं, अनुभूति के धरातल पर उतरने के लिए हमको उस स्तर पर जाना होगा। अब आप सुनिए, बादल बरस्या रू अल्लाह ए बूदे लई जुतिन और न कोई ले सक्या बिना अर्श रुवन। बादल बरस्या रू अल्लाह, श्यामा जी के तारतम ज्ञान का बादल बरसा। तारतम ज्ञान से किसकी बूदे अवतरित होगी? प्रेम की बूदे। और न कोई ले सक्या बिना अर्श रुवन। तारतम वाणी को पढ़ने वाले आज लाखों की संख्या में हैं, लेकिन लाखों सुंदर साध को आप चितवनी में नहीं बैठा सकते। चाहे उनके चरणों में साष्टांग लेट लेट कर कहिए कि सुंदर साध जी चितवनी कीजिए, वो नहीं करेंगे। उनको तो यही कहना होगा हमें मंत्र महामंत्र के जब से ही आनंद मिलता है, हमें सेवा पूजा से ही संतुष्टि मिलता है, हमको सिखापन देने की आवश्यकता नहीं है, हमें वाणी पढ़ लेते हैं हमें सब कुछ मिल जाता है, हमें चितवनी करनी ही नहीं है। इसलिए वाणी क्या कह रही है? बादल बरस्या रू अल्लाह ए बूते लई जुतिन और न कोई ले सक्या बिना अर्शन। कहते हैं उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तीन को हुई सी जो करसी ए विचार। वाणी तो सबके लिए कही गई है, वाणी अवतरित हुई है, जीव सृष्टि भी पढ़ेगी, ईश्वरीय सृष्टि भी पढ़ेगी और दोनों अपने अपने अंकुर के अनुकूल ही धनी की संपदा को ले सकेंगे। ब्रह्म सृष्टि धनी का प्रेम लेगी, धनी के प्रेम में स्वयं को निछावर करेगी। ईश्वरीय सृष्टि धनी का ज्ञान और धनी के प्रति बंदगी लेगी, ईमान लेगी, बंदगी लेगी, भक्ति भाव लेगी। जीव सृष्टि शब्दों के बाह्य अर्थ को जानेगी और केवल कर्मकांड लेगी, न उससे भक्ति हो पाएगी न उससे प्रेम लक्षण भक्ति हो पाएगी, न प्रेम हो कर पाएगी न भक्ति कर पाएगी, क्योंकि उसका हृदय उस सुनी चट्टान की तरह होता है जिसमें पिघलने का कभी भाव ही नहीं पैदा होता। यदि हमारा हृदय ऐसा रेगिस्तान बन जाए जिसमें कोई फूल का पौधा न उगा हो तो हम कौन सी संपदा ले सकते हैं? और ये माया का संसार ऐसा है जिसमें हर कोई अपने लिए प्रेम करता है, पिता पुत्र में जो संबंध होता है अपने स्वार्थ के लिए होता है, पति पत्नी में जो लगाव होता है अपने स्वार्थ के लिए होता है, भाई भाई में जो लगाव होगा स्वार्थ के लिए होगा, मित्र मित्र में जो लगाव होगा अपने कुछ स्वार्थ के लिए होगा, अपने किसी अभिप्राय से होगा, और जब उस अभिप्राय में बाधा पड़ती है तो वो संबंध टूट जाया करते हैं। परम धाम का प्रेम है स्वयं को अपने प्रेमास्पद पर अनंत गुना लुटाने के लिए, अपने प्रेमास्पद पर निछावर होने के लिए परमधाम का प्रेम है। वहां का हर स्वरूप दूसरे से अनंत गुना प्रेम करता है। इसलिए खिलवत की भाषा संसार से न्यारी होती है, सागर श्रृंगार की भाषा सबसे परे। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का जब हम चिंतन करें तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि संसार में क्या होता है, हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। हमारे समाज की परंपरा ये कहती है ये नहीं, ये खिलवत का विषय नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी होता है इस संसार की विधि निषेध की मर्यादा का अनुसरण करते हुए परंपरा चलाई जाती है। परमधाम में कोई परंपरा नहीं है, न वहाँ पाप है न पुण्य है, न धर्म है न अधर्म है, न वहाँ स्वामी है न सेवक है, न पूजा है न भक्ति है,
वहां तो एक अक्षर अतीत है जो अनादि है, अनंत है, प्रेम का अनंत सागर, सौंदर्य का अनंत सागर, निस्बत का अनंत सागर, और उससे आप पूछेंगे कि ये उचित है या अनुचित, ये संभव नहीं है। ऐसे प्रश्नों के लिए परमधाम में कोई स्थान नहीं। इसलिए खिलवत की पहली चौपाई पढ़ने से पहले अपने स्वयं के अस्तित्व को मिटाना होता है, और इसके लिए चार प्रकरण प्रारंभ में दिए गए हैं। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। जब तक मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। इस स्तर पर जब तक नहीं आ सकते, खिलवत की व्याख्या नहीं समझ में आ सकती है। मैं जानता हूँ कि ये चर्चा यूट्यूब में जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि सभी लोग इसको पसंद करेंगे। कितने सुंदर साहब को बहुत कटु अनुभव भी होगा, वो मेरे मन में कटु भावना भी लेंगे कि परंपरा के विरुद्ध ये उल्टी व्याख्या कैसे हो गई। लेकिन सच है, यदि वे मेरे कथनों को वाणी के द्वारा जोड़ कर देखेंगे, अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे, निष्पक्ष हृदय से विचार करेंगे, तो उनका हृदय यही कहेगा कि यह सच है। बादल बरसया रू अल्लाह, ये बूंदे ज लई जो दिन, और न कोई ले से क्या बिना अर्श रूहम। परम धाम की आत्माओं के अतिरिक्त खिलवत का रस कोई नहीं ले सकता, सागर श्रृंगार का रस कोई नहीं ले सकता। चौपाइयों को कोई भी याद कर सकता है, जीव सृष्टि का कोई भी व्यक्ति याद कर सकता है, लेकिन जो रस की अनुभूति है, इस संसार में बैठे बैठे राज्य के हृदय में डूबना, स्वयं को उन पर ऐसा समर्पित कर देना कि अपने अस्तित्व का बोध ही न रहे। समर्पण की बात होती है तो हर कोई कह देता है हम राज्य पर समर्पित हैं। जब राज्य पर अब समर्पित हैं तो आप भयभीत क्यों होते हैं? एक छोटा बच्चा जब अपनी उंगली पिता के हाथ में पकड़ा देता है तो कूदते हुए चलता है। उसको भय नहीं लगता कि सामने बिच्छू है, सर्प है, कुत्ता है। उसको मालूम है कि मेरा पिता मेरी रक्षा करेगा। आपने जब सब कुछ राज्य को सौंप दिया है तो आपको बार बार डरने की जरूरत नहीं है, बार बार राज्य से कृपा की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किससे मांग रहे हैं? आप अपने से मांग कर दिखाइए, आप अपने से खुद रोइए। कभी तो आप उसमें अवगुण देखने लगते हैं कि राज्य को मैंने इतने दिन चितवनी की, राज्य ने दर्शन नहीं दिया। कभी महिमा गाने लगते हैं, कभी भीख मांगने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप ये सारा नाटक तो दुनिया वालों की देखा देखी कर रहे हैं, और ये कौन कर रहा है? आपका जीव कर रहा है, आपकी आत्मा नहीं कर रही है। आपकी आत्मा तो उसी का स्वरूप है। छोटी सी शिक्षा हम लेते कि जब राधा कृष्ण को धूर्त कहती है, कहाँ चला गया कृष्ण, इसी में सारी प्रेम की व्याख्या समझ में आ जाती कि दोनों में कोई दूरी नहीं रह गई है। और कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि राधा को ही अधिकार है, राधा अभी नींद में है, लेकिन प्रेम के अधिकार से तारतम्य ज्ञान के बिना भी इतना अधिकार रखती है। हम तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में डुबकी लगाने वाले हैं, हम तो परमधाम की गली गली में घूमने वाले हैं, एक एक थंबों की माप रखने वाले हैं, एक एक मेहराबों की गिनती करने वाले हैं, लेकिन बात जब खिलवत की अनुभूति की होती है तो हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं। पता नहीं राज्य हमारी बात सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे, और इसलिए हम जोर जोर से लाउड स्पीकर भी बजाते हैं हर मंदिर में, देखिए, ताकि सबको पता चल जाए कि मंदिर में कुछ हो रहा है। प्राणेश्वर हमारे हृदय में विराजमान है। हम संसार से आंखें बंद करके स्वयं में डूब नहीं पाते, इसलिए खिलवत के रस से हम बहुत कुछ दूर हो जाते हैं। आप सुनिए, चरण पढ़िए पहले वाला। जिन पिया मस्ती दिन की, जिन पिया मस्ती दिन की। श्यामा जी के तारतम ज्ञान रूपी बादल से प्रेम की जो वर्षा हुई, तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, तारतम का तारतम क्या है? खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार। आपने खिलवत की चर्चा दूसरे दिन सुनी होगी। खिलवत में एक चौपाई आती है, जारे आपो पान नाखियां आंख मिची त्यारे तूने आवे शरम। इसका क्या अर्थ होगा?
जब मैं शरीर छोड़ दूंगी तो क्या तब तुमको शर्म आएगी? जिसको शर्म नहीं आती उसको क्या कहते हैं? अब मंदिर में जाकर पुजारी जी के सामने कह देंगे कि बेशर्म राज जी, तो क्या पता होगा आपके साथ कैसा व्यवहार होगा? मालूम है किस अधिकार से इंद्रावती जी की आत्मा बोल रही है, विरह में पुकार रही है और विरह की पीड़ा है। प्रेम की भाषा ऐसी होती है, प्रेम की भाषा में स्तुति नहीं दिखेगी, प्रेम की भाषा में दासत्व नहीं दिखेगा, क्योंकि वो किसकी स्तुति करे? जब एक दास डरता है, मैंने गुनाह किया है, मेरा मालिक पता नहीं सजा दे देगा। आप सुंदर साथ सर्विस करने वाले हैं, आप में जो अधिकारी होगा वो जानता है, उसके नीचे का कर्मचारी जब कोई गलती करता है तो ऑफिस में घुसते ही वो डांट लगाना शुरू कर देता है। बेचारा कर्मचारी को अपना घर चलाना है, अधिकारी के पैर पकड़ लेता है, हाथ जोड़ता है कि हुजूर मेरी नौकरी बख्शे रखिए, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। वो दास है, उसको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वही अधिकारी महोदय जब अपने घर पहुंचते हैं, हो सकता है उनकी धर्मपत्नी उन पर ही बरस जाए। और अधिकारी महोदय जो अपने कार्यालय में शेर बनते थे, वहाँ भीगी बिल्ली बन जाए। क्यों? क्योंकि वो घर उनकी खिलवत है। ये अंतर है दास भक्ति में और प्रेम भक्ति में। प्रेम में स्वयं के अस्तित्व को मिटाया जाता है, दास भक्ति में स्वयं के अस्तित्व को सुरक्षित रखा जाता है, ताकि हाथ जोड़कर महिमा गाकर कुछ पा लिया जाए। प्रेम में जब सब कुछ लुटा दिया गया तो क्या मांगे? जब सब कुछ दे दिया, परम धाम ले जाए न ले जाए, नरक में रखें या सुख में रखें, तभी तो कहा है जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगीर, या पाक करो हदीपना या बैठाओ मैं तकसीर। कुछ नहीं मांगा इंद्रावती जी ने। इंद्रावती जी क्या कहती है? ना चाहूँ मैं बुजुर्ग की, ना चाहूँ खिताब खुदाए। आपके सामने राजी आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि ज़्यादा नहीं तो एक विधायक ही बना दीजिए, सांसद ही बना दीजिए, मिनिस्टर ही बना दीजिए। इंद्रावती जी कहती है कि ना चाहूँ खिताब खुदाए, इस कति जो मैं आपनों मेरा यही समुद्र है, मुझे आपका प्रेम चाहिए, और प्रेम भी छोटा मोटा नहीं। मारा वैश्य की दल वाला रे, मुसु अलगा केम करी था सो, ऐसा प्रेम। आप मेरे बस में रहो, जहां कहूं वहां तुमको आना पड़ेगा, जैसे मैंने चाहूं वैसा तुमको नाचना पड़ेगा। आप तो पहले ही गिड़गिड़ा करके मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने वाले को क्या मिलेगा? जितना दास को मिलता है उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। आप प्रेम के अधिकार से मांगे, मांगना नहीं पड़ेगा, आप केवल राज्य से प्रेम कीजिए। चार चार सौ पाठों के परायण के बदले ज्यादा आ जाते हैं। क्यों? सब लोग परायण इसलिए लगवाते हैं कि कुछ मांग जुड़ी रहती है। 5,000 रुपये ऐसी सरलता से कोई थोड़े दे देगा, क्योंकि व्यापार है। पाठ रखवाने वाला भी व्यापार कर रहा है, रखने वाला भी व्यापार कर रहा है। वो पैसा देता है कि आपका पैसा सेवा में पहुंच जाएगा, उसके बदले राज्य की कृपा पहुंच जाएगी। इसलिए व्यापार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आप 1,000 पाठ रखिए, तुरंत निछावर आ जाएगी। किंतु यदि उन सुंदर साथ से कहिए कि साहित्य को भेंट में देना है, आप इसके लिए सेवा दीजिए, तो कोई देना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको ये धारणा घर कर गई है कि पाठ रखवाएंगे तो उसके बदले कोई मन्नत पूरी हो जाएगी। मन्नत पूरी करने के लिए स्वार्थ के पीछे सुंदर साध्वी दुनिया की देखा देखी भागे जा रहे हैं। कोई नया व्यक्ति जब तारतम वाणी का प्रकाश पाता है तो पहला प्रश्न होता है, क्या राज्य से हमारी संसार की इच्छाएं भी कुछ पूरी हो जाएंगे? सुंदर साध्वी कहते हैं कि हाँ, राज्य से श्रद्धापूर्वक कहोगे मिल जाएगा। लेकिन उस भोले भाले सुंदर साथ को ये पता नहीं कि जहाँ सारा संसार समाप्त हो जाता है वहाँ से खिलवत शुरू होती है, जहाँ हद नहीं बेहद नहीं। अक्षरातीत के दिल में यदि प्रवेश करना है, अपने हृदय में प्राणेश्वर अक्षरातीत को इस तरह से बसाना है कि जो आप चाहें वो धनी चाहें, और जो धनी चाहें वो चाहें,
वहां से खिलवत की पहली कक्षा प्रारंभ होती है। इसलिए पहले तारतम्य कर दिया, वाणी मेरे पीव की न्यारी जो संसार। आप तारतम्य वाणी से संसार की अन्य मान्यताओं की तुलना करके बैठने लगेंगे, परंपराओं को देखेंगे, तो आप खिलवत का रस नहीं ले पाएंगे। कहते हैं ये इसका रस कौन लेगा, ये पिया मस्ती जिनके बीच दुनी के छिपना है। संसार में जिसने श्यामा जी के तारतम ज्ञान रूपी बादल से बरसने वाली प्रेम की बुद्धों का रस स्वादन कर लिया, उनको कैसी मस्ती, किस आनंद की अनुभूति होती है, वो संसार में छिपा नहीं सकते। संसार किस में फंसा है आप देख रहे हैं। आप अमेरिका में, यूरोपीय देशों में भ्रमण कीजिए, वहां तो और छोड़ दीजिए, विदेशी संस्कृत का सबसे अधिक असर केरल में है। आज ही वेंकटेश जी बता रहे थे, वहां लोग सवेरे भी मांस, दोपहर को भी मांस, रात को भी मांस। विदेश में भी ऐसे ही चलता है, गाय का मांस, बियर, सवेरे, दोपहर, रात यही खाया जाता है, उनको इसी में सुख दिख रहा है। चाइना में और बदतर स्थित है, वहां कुछ नहीं छोड़ा जाता, काकरोच तक को छोड़ते नहीं, गर्भ के बच्चे को भी नहीं छोड़ते, ऐसी दुनिया है। पशु पक्षियों के मांस को नोच नोच कर चूसने वाली दुनिया में आप परम धाम की वहदत और खिलवत को आप समझाने चलेंगे, जहां मनुष्य दूसरे को तड़पते हुए देख करके खुश होता है। IS वाले जब गोलियों से दूसरे धर्म वालों को भून डालते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर, क्या तुम्हारा अल्लाह ऐसा ही महान है जो यही शिक्षा दे रहा है कि जो तुम्हारी मान्यताओं को न माने उसको गोलियों से भून डालो। आप अरब की धरती से क्या आशा कर सकते हैं, उस जहां सीरिया में लड़ाई चल रही है वहां क्या आशा कर सकते हैं, जहां शरीयत के नाम पर बेगुनाहों के खून से धरती को रंगा जाता है, उनसे आप ये कहिए कि अरसे अजीम में खिलवत ऐसी है, क्या उनका हृदय इसको सुनने के लिए तैयार है। खिलवत को समझने के लिए जब बैकुंठ के देवी देवता भी समर्थ नहीं है, बेहद की ईश्वरी शिष्य समर्थ नहीं है, सुखदेव जैसा योगी तारतम्यवाणी में एक प्रसंग आता है, भागे जोश कही पंचाध्यायी रास वर्णन ना हुआ तीनताई। सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न करने पर रुक जाते हैं, क्योंकि जो जोश वर्णन करने जा रहा था वो चला जाता है। भागे जोश कही पंचाध्यायी रास वर्णन ना हुआ तीनताई। सुखदेव मुनि रोने लगते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे इस नकारात्मक और संशयात्मक प्रश्न ने मेरा सारा कार्य नष्ट कर दिया। मैं अखंड महारास का वर्णन करने जा रहा था जो परब्रह्म ने की थी, लेकिन अब जोश जाने के कारण मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। जब वो बिलखने लगते हैं, महामती जी की आत्मा कहते हैं कि मुनि जी तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे माध्यम से तो केवल संदेश लाया जा रहा है ब्रह्मात्माओं को साक्षी देने के लिए, यह तो सोचो क्या तुम इसके योग्य थे। जब सुखदेव जैसा निर्विकार व्यक्ति परम धाम की वहदत को, परम धाम की प्रेमी लीला को सुनने का अधिकार नहीं रखता, पंचवासनाएं जहां हाथ खड़ी कर देती हैं, और आज के इस कलयुग के तामस से भरे वातावरण में जिसमें हर व्यक्ति प्रायः कहीं ना कहीं क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार की अग्नि में चल रहा है, परम धाम की खिलवत की व्याख्या करना बहुत कठिन हो जाता है। हम चौपाइयां पढ़ लेते हैं, कुछ समय के लिए हमारा हृदय कोमल दिखने लगता है, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में पुनः वह निष्ठुरता घर कर जाती है। और जब तक याद रखिए, हमारा हृदय अति कोमल नहीं बनेगा। मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया किताब। कोमल कहने का तात्पर्य क्या, दूसरे के दुख हम अपना दुख समझें, दूसरे की खुशी को अपनी खुशी सुख समझें। यदि कोई सुंदर साथ ज्ञान में, भक्ति में, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो हमें खुश होना है। वह आगे बढ़ रहा है
तो मैं पढ़ रहा हूँ। यदि कोई दुखी है तो हम सोचें कि नहीं, उसका दुख मेरा दुख है। लेकिन आप अभी चर्चा सुनकर जा रहे हैं, यदि जगह की कमी पड़ गई तो ये चर्चा सारी भूल जाएगी। आप कहेंगे कि नहीं, अच्छी जगह पर तो मैं सोऊंगा, तुम बाहर जाओ जो कुछ भी हो। मुझे नहीं लगता कि 1000 सुंदर साथ आए हों, 1000 में 20-20 सुंदर साथ ऐसे मिल जाएं जो दूसरों का दुख लेकर कहें कि नहीं आप मेरी जगह सो जाइए, मैं वहाँ कर लूँगा। हर कोई अपना देखता है, और यही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भूल है। जो अपना सुख दूसरों के लिए देने को तैयार हो जाएगा, वो मानव नहीं होता है, महामानव से भी ऊपर हो जाता है। और जहाँ महामानव की परिभाषा समाप्त हो जाती है, ब्रह्मात्मा की परिभाषा तो वहाँ से शुरू होती है। लेकिन खेत के साथ कहना पड़ता है कि हम सुंदर साथ अवश्य कहलाते हैं, लेकिन ब्रह्मात्मा कहलाने की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध करने में अभी बहुत पीछे हैं, कोसों दूर पीछे। क्योंकि हमने परमधाम के ज्ञान को परमधाम के भाव से नहीं लिया। शरीयत हम पर हावी रही, और उस शरीयत के अंधकार के कारण हम परमधाम की वहदत, खिलवत, निस्वत को हृदय में आत्मसात नहीं करें कर सके। यही कारण है कि जैसे कबीर जी ने एक बात कही है, जल बीच मीन प्यासी। मछली है, जल में तैर रही है, लेकिन प्यास से तड़प रही है। राज जी ने इस नश्वर जगत में हमारे लिए सौभाग्य दिया था कि यहीं बैठे बैठे हम खिलवत का अनुभव कर सकते थे, वहदत का अनुभव कर सकते थे, परमधाम के 25 पक्षों का अनुभव कर सकते थे। लेकिन हमने वो अवसर गंवाने में अपना गौरव समझा है। आलस्य और प्रमाद हमारा श्रृंगार करते हैं, अहंकार हमारा सिंहासन है। ऐसी अवस्था में उस रस की अनुभूति कैसे हो सकती है? लेकिन जिन्होंने सारे बंधनों को तोड़ लिया माया के, उनको जो प्रेम की मस्ती का अनुभव होता है, वो संसार में छिपा नहीं रह सकता। जिन्होंने परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की संगति की होगी, या अन्य किसी परमहंस के प्रेम की छत्र छाया में अपने को पाया होगा, जिन्होंने उन आध्यात्मिक अनुभूतियों का अनुभव किया होगा, वो जानते हैं कि परमधाम की ब्रह्मात्मा की सानिध्यता की जो मस्ती होती है, उसको कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। तभी तो कहा है, इनों को देखे से स्वभाव जैसे याद किए हुए। लेकिन आप अपना अधिकार तो लेना भूल जाते हैं। आप स्वयं क्यों नहीं सोचते कि मैं भी परमधाम की ब्रह्मात्मा हूं, मेरे अंदर भी वही परमधाम विद्यमान है, वही वहदत खिलवत का रस छिपा है। अव्यक्त को व्यक्त करना ही तो जागनी है। हमारे घर के नीचे हीरों की तिजोरी दबी पड़ी हो, हम खोदने का प्रयास न करें, फटे कपड़े पहन करके भीख मांगा करें कि आज मेरे घर में रोटी बनाने के लिए 2 मुट्ठी आटा नहीं है, भीख दे दो, तो हीरे का क्या दोष है? हम राज्य से मन्नत मांगा करते हैं कि राज्य ये पूरी कर दो, ये पूरी कर दो। अब मांगिए, लेकिन अधिकार के साथ मांगिए, अहंकार के साथ न मांगिए, और गिड़गिड़ा करके भी न मांगिए। आप जो हैं उसी रूप में मांगिए। आप अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं, प्राणेश्वरी बन करके मांगिए कि मैं आपकी प्राणेश्वरी भी हूं। राजी ये याद रखिए, आप मेरे प्राणेश्वर हैं तो मैं भी आपकी प्राणेश्वरी हूं। आपके बिना मैं नहीं, तो मेरे बिना आपका भी अस्तित्व नहीं है। जब इस अधिकार के साथ बोलेंगे तो आपके राजी आपके सामने आने में कभी भी देर नहीं करेंगे। लेकिन भिक्षुणी बनकर के मांगेंगे तो आपकी मांगे वो इतनी ही दी जाए, पूरी की जाएंगी जितना आपका पात्र होगा। इसलिए मैं कहीं जाता हूँ, मेहर सागर का पाठ होने लगता है, मुझे लज्जा आती है कि मुझे तो मेहर सागर याद ही नहीं हुआ। यदि किसी ने मुझसे कह दिया कि मेहर सागर सुनाओ, तो मैं क्या करूँगा? कई बार कोशिश किया, कर लूँ। चौपाइयाँ तो याद है, चौपाइयों का क्रम याद नहीं है, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मैं मेहर सागर पढ़ करके राज्य से मेहर मांगूं। आप मेहर सागर का पाठ करते, मैं मना नहीं कर रहा हूं, खूब कीजिए, लेकिन यह भी समझिए जो मेहरबान है पहले उसको समझ जाइए
कि वो दुनिया का भगवान नहीं है कि स्तोत्र पढ़ने से 1 करोड़ महामंत्र का जप करने से आपकी कोई इच्छा पूरी करेगा। आपका प्रियतम, आपका प्राणेश्वर है, आपका आराध्य है, आपका प्राण जीवन है, आपका प्राण प्रियतम है, उसके लिए किसी प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए महिमा गाने की आवश्यकता नहीं है। या इतनी माताएं बने बैठी हैं, क्या आपको अपने पतियों से लेना होता है तो कागज पर एप्लीकेशन लिखकर उसको सुनाया करती हैं? आप अधिकार से करती हैं। चितवनी में भी आप अधिकार से अपने आराध्य को बुलाइए, कहीं दूर नहीं है। बैकुंठ के विष्णु भगवान को तो गरुण की सवारी करनी पड़ती होगी, आपके आराध्य को कुछ सवारी की जरूरत नहीं है, आपके हृदय में ही बैठा होता है। वो कहता है संसार के विकारों को हटा दो, संसार की तरफ देखना बंद कर दो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं। आज से 1,96,08,53,000 वर्ष पहले वेदों ने कह दिया था, लेकिन वेद को पढ़ने वाले भी नहीं जान पाए। तद दुरात सुदूरे तद एव ये अंत के च, दूर से दूर है और इतना निकट है, तद एव ये अंत के च, इतना निकट है कि कोई जान नहीं सकता। अड़ो अड़ियान महतो महियान आत्मा अस्यन्तु निहितं गोया तम क्रतु पश्यत वीत सुखो धातु प्रसादात महिमानं आत्मना। कभी ऋग्वेद की कट शाखा के कठ ऋषि ने ये उद्घोष किया था कठोपनिषद के रूप में। उस उपनिषद की न जाने कितनी भाषाओं में व्याख्या हो गई, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। वो नहीं समझ पाए उनके लिए क्षमा है। हम तो वहदत के स्वरूप हैं, निस्बत के स्वरूप हैं, खिलवत के स्वरूप में हैं, हमको भी ये बात नहीं समझ में आती। और हम भी उनकी देखा देखी हम भी षोडश उपचार पूजन करने लगते हैं, हम भी घंटी घड़ियाल परिक्रमा करने लगते हैं। मैं प्रहार नहीं कर रहा हूँ, आप खूब कीजिए, लेकिन यह तो सोचिए प्रेम के भावों से कीजिए। मैंने देखा है भोजन करने के बाद सुंदर सात को मंदिर की परिक्रमा करते हैं, इसलिए यह मैंने परिक्रमा नहीं बनने दी कि भोजन कर लेते हैं, भोजन को पचाने के लिए परिक्रमा करते हैं और बातें करते जाते हैं। मैंने सोचा कि तो यहाँ भी कर्मकांड शुरू हो जाएगा। श्रद्धा भाव से परिक्रमा नहीं हो रही है भोजन को पचाने के लिए कि अभी भोजन किया है चलो 2-4 परिक्रमा भी कर लेते, पैर तो चल रहे हैं और बातें संसार की हो रही है, ऐसी भक्ति कहाँ ले जाएगी? आपने अपना हृदय दिया नहीं, आपने संसार के लिए मांगनी की है। पैसे पर राज्य की कृपा खरीदना चाहते हैं, 5,000-2,000 रुपये देकर पाठ करा कर कृपा खरीदना चाहते हैं। उस प्राणेश्वर को यह क्यों नहीं सौंप देते कि मेरा धन तेरा, मेरा मन तेरा, मेरा जीव तेरा, मेरी आत्मा तेरी, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारा ही तो सब कुछ है, लेकिन हमारा व्यापार का मन कभी समाप्त नहीं होता। यदि राजी आपकी मन्नत पूरी नहीं करते हैं तो दोबारा पाठ का निछावर देने में आपको झिझक लगने लगती है। जैसे ऑफिस में घूस देने पर जब काम नहीं होता है दोबारा घूस देने में आपको झिझक लगने लगती है, क्योंकि राज्य से आपने प्रेम नहीं किया, एक सौदा बना लिया। ये सौदेबाजी जब तक बंद नहीं होगी खिलवत के रस की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए वाणी कह रही है ए पिया मस्ती जिनकी सो बीचे दुनी के छिपे ना है, वो संसार में छिपे नहीं रह सकते। सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई, खिलवत की मस्ती परम धाम के परमात्माओं से जाहिर होती है। परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी यदि ध्यान में बैठ गए तो बैठ गए, पूरी रात बीत गई पता नहीं, न उनको निद्रा की चिंता है न भोजन की चिंता है। एक परमहंस को और क्या चाहिए, जिसके हृदय में प्रीतम की छवि बसी हो उसके सामने तो त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ लगता है। परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी शेरपुर से रात को चल देते थे, पूरी रात पैदल चलते थे और सवेरे रतनपुरी पहुंच जाया करते थे। कभी बैलगाड़ी पर बैठ गए तो बैठ गए, पैदल चल रहे हैं। संसार चाहिए ही नहीं, उन्हें कोई तृष्णा नहीं है कि मेरी कार में एसी है या नहीं, अच्छे वाहन है या नहीं, क्योंकि संसार उनको दिख ही नहीं रहा है। वो तो दिन हो या रात हो प्रीतम का प्रेम ही उनको
अपनी ओर खींचे जा रहे हैं। सो मस्ती मोमिन जाहिर हुई चौदह तब को माह। सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई चौदह तब को माह। परम धाम के आनंद का क्या अनुभव है, क्या प्रमाण है, ये किसी ब्रह्मात्मा को देखने के बाद ही पता चल सकता है। शरीर सबके एक जैसे हैं, हाथ पैर सबके एक जैसे हैं। शरीर की शक्ल से ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन ब्रह्मात्मा है, कौन जीव है, कौन स्त्री सृष्टि। हाँ, कोयल और कौवे का रूप एक जैसा होता है, बोलने पर पता चलता है। इसलिए जिन्होंने वहदत के सागर में स्वयं को डुबो लिया, जिन्होंने प्रीतम से स्वयं को एकाकार कर लिया, उनके अंदर परम धाम के आनंद की मस्ती होती है। जीवन का स्वरूप पर लक्ष्य यही है और हमें इसी के लिए जीना चाहिए, इसी के लिए मरना चाहिए। यही हमारे जीवन का आधार है, यही हमारी अखंड संपदा है। लेकिन इसके लिए चितवन में कमर कस करके डूबना होगा। हमें ये बहाना नहीं बनाना होगा कि हमारे अमुक अतिथि आने वाले हैं, हमें बच्चों की देखभाल करनी है, हमें समय नहीं मिलता, हमारे कमर में दर्द होता है या हमारे पैरों में दर्द होता है। हो रहा है, होने दीजिए। आप नहीं भी चाहेंगे, जिस दिन आपका शरीर छूट जाएगा उस दिन भी ये संसार के कार्य चलते रहेंगे। याद रखिए, संसार का कार्य कभी रुका नहीं है और संसार में ऐसा कोई भी महान व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने अपने सारे कार्यों को अपने तन के रहते रहते पूरा कर लिया हो। कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा ही। इसलिए हर सुंदर साथी अपहरण करें, तन रहते रहते शरीर छूटने से पहले अपने प्राणेश्वर को जी भर कर देखना है, जी भर कर बातें करनी है, उनके हृदय में डूबना है और हकीकत से परे पर मारिफत की तरफ अपने कदम अवश्य बढ़ाना है। लक्ष्य ऊंचा रखिए, यह मत सोचिए कि पूरा नहीं होगा। यदि आपका लक्ष्य ऊंचा है, श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, प्रेम है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भी संशय नहीं है। अब समय पूरा होता है, चुपाई तो रहे। चौदे तब को माहे, जिन पिया मस्ती तीन की, बीज दुनी के छिपे ना है। सो मस्ती मोमिन जाहिर हुई चौदे तब को माहे, चौदे तब को माहे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।